I'm in front of you. This is Sumit Mishra, your spoken English trainer. So we'll discuss about the tenses today. आपने टेंसेस पढ़े होंगे स्कूल में, अभी तक खुद से ही पढ़े होंगे। ये टेंस का एक ऐसा वे है जिससे आप इंग्लिश बोलना एटलीस्ट सीख जाए। बिल्कुल बेसिक टेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। आई विल जस्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। और ये जो याद करते हैं ना, पढ़ते हैं सेंटेंस जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, भूल जाइए इन सबको। इस तरह से अगर सेंटेंसेस को समझेंगे तो कभी भी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिकली हमें सीखना है कौन सा एक्शन हमें किस स्ट्रक्चर के साथ में सेंटेंस को फॉर्म करना है। जब तक हम वो नहीं सीखेंगे तब तक हम सेंटेंस नहीं सीख सकते, सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते। समझिएगा प्रैक्टिकली, दिस इज अ टाइमलाइन। हम सारे टेंसेस आपको टाइमलाइन में सिखाते हैं। ये एक टाइमलाइन है मान लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट वो है जब आपने जन्म लिया था, जो भी सन है जिस समय आपने जन्म लिया था ये वो समय है। आई एम सॉरी टू से, ये वो दिन है, वो समय है when you will die. No one is immortal in the world, everyone has to die, right? So ये वो समय है जहां पर आपकी डेथ हो जाएगी। तो एक बात समझिए, ना तो आप जन्म से पहले कुछ बोल सकते थे, ना आप मृत्यु के बाद कुछ बोल सकते हैं। यानी हमें बोलना क्या है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी वाक्य सेंटेंसेस हमें बोलने हो, जो भी एक्शन हमें करने हैं, उन एक्शन को ही हमें बोलना है। ये वो समय है, ये हम अभी वाला समय मान लेते हैं नाउ। यानी ये वो समय है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आपने एक सेंटेंस को बोला, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब जब आपने बोला है, कुछ भी बोला, तो आपको ये मालूम होता है कि हम पास्ट एक्शन के बारे में, जैसे मैंने आपसे पूछा आपने सुबह क्या खाया, तो आपने कहा सुबह हमने चाय पी, तो ये आपको मालूम है ना कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। नाउ मैंने टाइम इसलिए लिखा कि ये वो वक्त है जब आपने सेंटेंस को बोलना है, ठीक है। अब आपने कहा मैंने सुबह चाय पी, इसका मतलब आप इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये वो समय है जो आप जी चुके हो भाई, कुछ लाइफ तो आप जी भी चुके हैं ना, तो ये वो समय है जो आप जी चुके हो, ये वो है जो आप जियोगे। तो जो जिएंगे वो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, जो जी चुके हैं वो पास्ट हो गया, और जो जी रहे हैं या जीते हैं वो प्रेजेंट हो गया। अब जब भी आप किसी पास्ट एक्शन की बात करो, मैंने सुबह चाय पी, आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया, आज सुबह मैंने पराठे खाए, ये सब पास्ट में आप बोल रहे हैं। तो जब पास्ट में आप कोई भी एक्शन में बात करो ना, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। और दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करो ना, एक ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट जो कार्य को करेगा, यानी डूअर इज नोन एज अ सब्जेक्ट, वर्ब मींस क्रिया इन हिंदी, जो भी एक्शन वर्ड है वो आपका वर्ब है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने कहा मैंने सुबह पराठे खाए, सो आई सब्जेक्ट है, खाए किसने, आपने खाए, तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई एट पराठा। कुछ नहीं करना है, जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जस्ट लेफ्ट टू मेंशन। इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट, कि मैं ऐसा काम करता हूं, इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन कौन से होते हैं, जो आप काम को रोज करते हैं, रेगुलर एक्शन है, जैसे मैं ऑफिस जाता हूं, स्कूल जाता हूं, दिवाली मनाते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं घर जाता हूं, मैं उसको डांटता हूं, पढ़ता हूं, मीन्स दीज आर ऑल द रेगुलर एक्शन। सो इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलर एक्शन, जनरल ट्रूथ, और जितने भी आपके हैबिचुअल एक्शंस हैं, जो भी आपके हैबिट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर आप बताते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ऐसा, इसमें क्या होना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, अगर बात आप प्रेजेंट की कर रहे हैं तो। जैसे वह सिगरेट पीता है तो कैसे बोल देंगे, क्योंकि उसकी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो आप, तो ही स्मोक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्मोक्स क्यों लगाया आपने, क्योंकि सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट की बात सुनते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कौन से, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही आ गया सिंगुलर हो गया आपका, सी सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर, और किसी का नाम अगर है तो वो भी सिंगुलर, बाकी बचे हुए सारे सब्जेक्ट कौन से, प्लूरल, कैसे, आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू एंड दे, दीज ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट। तो इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलर एक्शन, जनरल ट्रूथ एंड हैबिट, तो यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ओ रेस। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें ऐसे एस वर्ब में लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे कि हम चार साल बाद डॉक्टर बनेंगे, हम इस बार नैनीताल जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, एटलीस्ट यू स्टार्ट स्पीकिंग द सेंटेंसेस, दिस आई एम टेलिंग यू, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस विल लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लगा के, जैसे हम इस बार छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, तो आई विल गो, जब मैं नैनीताल जाऊंगा, आई विल गो नैनीताल इन दिस
वेकेशंस, ठीक है, हम इस साल कहां जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप अभी अभी वाले पॉइंट से आगे की बात कर रहे हो। जब पीछे की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आगे की बात करेंगे तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और तुरंत अभी की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES लगाएंगे। ये हमने आपको बताया है सिर्फ एक बेसिक टेंस का फंडा कि जिससे आप एटलीस्ट शुरू करें बोलना, ठीक है। किसी भी पास्ट एक्शन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर बहुत सारे पास्ट के सेंटेंस होते हैं, हमने तो इंडेफिनिट पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, वो भी पढ़ेंगे, बट वी विल लर्न ऑल द टेंसेस ऑन दिस टाइमलाइन। चुका है, दिया है, लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, था, थी, थे, पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आई विल टेल यू द वे टू लर्न द टेंसेस, बट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज डेली एंड यू विल लर्न ऑल ऑफ थिंग्स विद दिस चैनल। Thank you very much. Today, it was just a brief introduction of the tenses.